जिसके बारे में लोगों के धारणा थी कि नहीं वहां तो परिवारवाद है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। देश के सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है। अपने युवाओं के बारे में एक बेहतरीन सोच को आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में हो रही है, जहां सरकारी नौकरियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता तो रहेगी ही, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए हैं डबल इंजन सरकार के द्वारा, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पाने वाली, पेंशन पाने वाली महिलाओं, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना केवल पेंशन की सुविधा उत्तर प्रदेश वर्तमान में उपलब्ध करा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर तमाम अभिभावक इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि बिटिया विवाह योग्य होगी, क्या होगा, बेटी को कैसे पढ़ाएंगे। आज 14 लाख से अधिक बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से आच्छादित किया गया है और प्रदेश के अंदर बिटिया की पढ़ाई पूरी होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी उस बेटी की शादी के लिए शासन के सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। 2.25 लाख से अधिक बेटियों की शादी ब्याह से संपन्न हो गया, लगातार इस पे कार्य चल रहे। महिला स्वयंसेवी समूह एक नए मॉडल के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। महिला और बाल विकास विभाग के पोषाहार योजना को हर कुपोषित परिवार तक पहुंचाने का कार्य और उनके स्वयं के प्लांट हर ब्लॉक खंड स्तर पर लगाए जा रहे हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सम्मान के एक आदर्श के रूप में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। युवाओं को आसानी से नौकरी भी मिल सके, वे आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी हो सके, उनके द्वारा स्वतः रोजगार को भी आगे बढ़ाने का प्रयास हो सके, उत्तर प्रदेश आज अपने एमएसएमई को जिस रूप में प्रमोट किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में और दुनिया में एक नई धूम मचा रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों, कारीगरों को एक नई पहचान दिला रहा है। 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दिशा हम सक्षम बना सके, टैबलेट और स्मार्टफोन देने वाला यह देश का पहला राज्य है जो अब तक 2 करोड़ युवाओं को यह सुविधा देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है और 20 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इस सुविधा का से लाभान्वित भी कर चुके हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं होगा जहां के युवाओं को सरकारी नौकरी न मिली हो, और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत जब पूरी सेलेक्शन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है तो हम स्वयं भी एक बार अवलोकन जरूर करते हैं कि भाई इसमें बताओ क्या उत्तर प्रदेश के हर जनपद के युवा हैं या नहीं है।
आज वह भी तस्वीर हम सबके सामने देखने को मिलती है। हर जनपद के युवाओं को उसमें स्थान मिलता है, बिना भेदभाव के मिलता है, और सम्मानजनक ढंग से हर तबके का युवा उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के न केवल सरकारी नौकरी बल्कि आज निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी जिस स्थान को उसने आगे बढ़ाया है, करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली। कोविड कालखंड में हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्रोग्राम ने, परियोजना ने आने वाले हर कामगार और श्रमिक के हाथों को कार्य दिया था, उन्हें बेरोजगार नहीं होने दिया था। आज उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक नई चमक आती है, बाहर के लोगों के मन में एक चमक आती है। और नहीं तो 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम सुनने पर लोग बड़ी संदेह और की दृश्य देखते थे। ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है, मैं मानता हूं ये हमारी सरकार की, डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट आज के दिन पे नहीं है। हमारे नौजवानों के सामने किसी भी प्रकार का कोई अपनी पहचान को छुपाने का आज उनके सामने किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। आज वे जहां भी जाएंगे लोग बड़े सम्मान के साथ उन्हें उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुरूप उत्तर प्रदेश अपने अपने राज्यों में अपने अपने देशों में कार्य देने को तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश स्वयं ही तैयार हो चुका है। हमारी सरकार ने जब अपने दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया तो हमने फिर से अपनी उसी स्पीड को, डबल इंजन की सरकार है तो डबल और ट्रिपल स्पीड के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। याद करिए जब कार्यक्रम की शुरुआत ही हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग के कार्यक्रम के साथ इस अभियान को शुरुआत किया था। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब इतने हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम, औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं का। अब तक हमारी सरकार के इस कालखंड में, 6 वर्ष के कालखंड में 5,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की निजी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं का न केवल शिलान्यास हुआ बल्कि बहुत सारी इकाइयां तो इसमें अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर दी। लाखों नौजवानों को इससे नौकरी मिली और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये तो सबके सामने है, 35,00,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो, ये तो लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य है। हर व्यक्ति ने सोचा उत्तर प्रदेश में 35,00,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ जाएं। यह भी हुआ है और आप तो सब उसके साक्षी रहे हैं। कैसे? 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज बना करके अलग अलग सेक्टर में। पहले चरण में आपने देखा होगा कैसे उत्तर प्रदेश ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया था, चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाने के कार्य रहे हों। पहले 2.5 वर्ष में मात्र 25,00,000 शौचालय बने थे और अगले 1.5 वर्ष के अंदर 17 से लेकर के 18-19 के बीच में मात्र 1.5 वर्ष का कार्यकाल हमें मिला था, जब इसे अक्टूबर 2018 के अंदर इस कार्यक्रम को पूरा करना था तब हमने 2,61,00,000 शौचालयों का निर्माण किया था। पहले 12 से 17 के बीच में प्रधानमंत्री आवासीय योजना, अगर शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो खैर कोई कार्य यहां पे लागू नहीं किया गया था, लेकिन अगर मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं तो 18,000 सैंक्शन हुए थे, कोई बना नहीं था। और वर्तमान में ग्रामीण और शहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करूं तो पिछले 6 वर्ष के अंदर 52,77,000 आवास तो केवल ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में हमने स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा 1,00,000 से ऊपर
आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में भी उन गरीबों को उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें मुसहर है, बंटांगिया है, थारू है, कोल है, सहरिया है, इन सभी जातियों से जुड़े हुए लोग हैं जिनको जिनकी वॉइस कम थी, जिन तक शासन की योजनाएं आजादी के 70 वर्षों तक नहीं पहुंच पाई थी, उन तक पहुंचाने का काम भी सफलतापूर्वक किया गया। विद्युत आपूर्ति की वीआईपी कल्चर की व्यवस्था को समाप्त किया गया और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में समान रूप से विद्युत की आपूर्ति भी की गई। ये आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश जो छठे स्थान पर था, आज मित्रों मुझे बताते प्रसन्नता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 स्थान पर भी है और देश के अंदर अचीवर स्टेट के रूप में अपना स्थान